सरकार से मिले जमीन के जाली दस्तावेज बनाकर वह जमीन हड़पने का प्रयास कर रहे जालसाज प्रवीण पाटिल पर कड़ी कार्रवाई कर अपनी जमीन बचाने की मांग योगेश ढोरे नामक किसान ने जिलाधीश से की। जिलाधीश को उक्त मांग पत्र पीड़ित किसान ने सौंपा। जागे शासकीय जागे अतिक्रमण करून डुप्लिकेट पट्टा बनवलेला आहे। कोणी बनवलेला आहे? प्रवीण रामकृष्ण पाटील। कोण आहे हा प्रवीण रामकृष्ण? प्रवीण रामकृष्ण पाटील हा झेरॉक्स बालाजी झेरॉक्सचा संचालक आहे। प्रखर संघर्ष की धार पर चल पड़ी वडाली की नारी शक्ति सोमवार को डीएम दफ्तर पहुंची, लेकिन इस बार इन महिलाओं के तेवर बड़े नर्म दिखे। कल तक हर बार आक्रामकता का दुर्गा अवतार लेकर डीएम दफ्तर पर धमकती हैं वडाली की यह वही नारी शक्ति। इस बार यह महिलाएं जिलाधीश किरण गित्ते का आभार व्यक्त करने पहुंची थी। जिलाधीश किरण गित्ते के कार्यकाल में महिलाओं की दारूबंदी की मांग सुनी गई, ऐसा कहते इन महिलाओं ने जिलाधीश का आभार माना। आज आम्ही इथे कलेक्टर साहेबांचे मनापासून आभार व्यक्त करण्यासाठी आलेलो आहोत, कारण ते जर आमच्या पाठीशी नसते तर आम्ही हे आंदोलन परिपूर्णपणे जिंकलो नसतो। तर आज आम्ही मनापासून त्यांचा धन्यवाद म्हणतो, आणि तसंच पत्रकार बंधू जे आहेत त्यांचंही आम्ही मनापासून आभार मानतो, आणि इलेक्ट्रिक मीडिया आहे त्यांचे सुद्धा आम्ही मनापासून आभार मानतो। नगरी के शहर में चार चांद लगाने वाले सुप्रसिद्ध मराठी कवि सुरेश भट्ट, इनके स्मृति में आयोजित मराठी मुशायरा का आयोजन रविवार की शाम संपन्न हुआ। राज्य भर से आए कवियों ने इस गजल महफिल को यादगार बनाने का रोल बखूबी निभाया। कविवर्य सुरेश भट्ट प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित मराठी मुशायरा का आयोजन रविवार की शाम HPM के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। राज्य भर से 10 मान्यवर कवि इस मराठी मुशायरा में शरीक हुए थे, जिन्होंने एक से बढ़कर एक गजलें प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। बावले आता पुनः वरणार नाही, गावते सुनसान झाले छान झाले, कोडदा अन कोरडा झालोच असतो, कोडदा अन कोरडा झालोच असतो, जेवढे अपमान झाले छान झाले। आणि शेर बघा की काढली मी रात्र कोठे सोडा आता, काढली रात्र कोठे सोडा आता, हाय जे रसपान झाले छान झाले, काढली मी रात्र कोठे सोडा आता, हाय जे रसपान झाले छान झाले, या सुखांना दुःखही हैराण झाले छान झाले, या जीवाचे रान झाले छान झाले, पण तुझे गुणगान झाले छान झाले। कविवर्य सुरेश भट्ट, इन्होंने मराठी गजलों में वह सब कुछ पिरोया जिससे मराठी गजल का झेंडा आज लहरा रहा है, इसलिए सुरेश भट्ट इनके स्मृति में इस मराठी गजल रंग का आयोजन किया गया था। कुठलाही विषय या माणसाने सोडलेला नाही, तेच मी बोलतो, जे न बोलायचे तेच मी बोलतो, मीच माणूस नाही भला यार हो, रोखो बोलणारा माणूस हा जगाला कधीही भला वाटत नाही, जगाला कधीही आपलासा वाटत नाही। आणि मग काही दिवसांनी हे लक्षात येते की शहर के सकरसा चौराहे स्थित श्री भैरव मंदिर में सोमवार को भैरव बाबा का जयंती उत्सव मनाया गया। असंख्य भाविकों ने इस अवसर पर दर्शन और प्रसाद का लाभ लिया। महानगर स्थित सकरसा विभाग में भैरव बाबा का उत्सव दिनांक 19 जनवरी को जारी है। इस कार्यक्रम में भाग लेने भक्तगणों को दर्शन और प्रसाद लाभ लेने आयोजकों द्वारा विनंती की गई है। भैरव बाबा मंदिर में भैरव जी की जयंती होने जा रही है। इस मंदिर का निर्माण एक सदी पूर्व हुआ था। इस मार्केट के सभी लोग व्यापारीगण और हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण किया है। इस निर्माण के बाद में इसका विशाल रूप दिया गया। इस मंदिर को सजाने में सवारने में पहले तो कॉटन मार्केट वालों ने सहयोग किया था, पानी का प्याऊ लगाया गया था, ठंडे पानी की टाकी के नाम से जाना जाता था यहाँ मंदिर में। और उसके बाद में हमारे सत्तर साल के सभी मित्रगण चोरडिया जी, सुशील मैं खुद और नवीन बाबू चोरडिया, प्रवीण भाऊ चोरडिया, छोटू चोरडिया, इन लोगों ने सहयोग करके इस मंदिर को हर साल सजाना और इसका उत्सव मनाना चालू किया, प्रारंभ किया। व्यापारी गण और भक्तगण दर्शन भगवान के मंदिर के दर्शन का लाभ लेते हैं। आज इस मंदिर में
शाम को 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक के भगवान का अभिषेक होगा, तत्पश्चात आरती एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। हमारी हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी भक्तगण कृपया पधारे, भगवान के दर्शन का लाभ लेवे एवं प्रसाद का लाभ लें। अब बारीक कार्टून को ना की देखेंगे आज हमारे व्यंग चित्रकारों ने किस वस्तु स्थिति को व्यंग बनो का निशाना बनाया। चलते चलते एक नजर आज के और कल के मौसम पर। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें मंगलवार की तो मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो अब देंगे इस बुलेटिन को विराम। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर बुलेटिन की हेडलाइंस। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक 2570032 छे। हमारा वेबसाइट एड्रेस www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज।